और फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप अपनी आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और श्योर करना चाहते हैं कि आपके इसमें बहुत अच्छे बैंड आए, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। एज यू नो गाइस, वी ट्राई टू हेल्प यू इन योर आईएलटीएस टेस्ट प्रिपरेशन इन एवरी पॉसिबल वे, और उसी में मैं स्पीकिंग के लिए आपके लिए बनाता हूँ बहुत सारे वीडियोज, और आपके साथ हम शेयर करते हैं रीसेंट आईएलटीएस एग्जाम एक्सपीरियंसेस पे। इनफैक्ट हमारा स्पीकिंग बूस्टर, जिसमें आपको आईएलटीएस स्पीकिंग का पूरा कंटेंट मिलता है, पार्ट वन, क्यू कार्ड्स, फॉलो अप्स, ये बुक आपको देती है कॉन्फिडेंस एंड पुट यू इन अ पोजीशन कि आप एग्जामिनर के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोले, फ्लुएंटली अपने आप को प्रेजेंट करें और अच्छा स्कोर अचीव करें। क्या गाइस, आपको पता है कि आईएलटीएस का जो स्पीकिंग एग्जामिनर है उसके पास एक बुक रहती है, और वो उस बुक में से रैंडमली कोई एक टेस्ट चूज करता है, और जो भी स्टूडेंट उसके सामने आकर बैठ जाता है उसके बाद वो टेस्ट का एक एक क्वेश्चन उस स्टूडेंट से वो पूछना स्टार्ट कर देता है, और एक बार जैसे ही एग्जामिनर वो टेस्ट स्टार्ट कर लेता है, एक एक करके सारे क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट्स आकर कहते हैं कि मेरे से उसने 5 या 6 फॉलोअप्स पूछे, कुछ कह देते हैं उसने मेरे से 12-13 फॉलोअप्स पूछे। इसके दो रीजंस रह सकते हैं, एक तो एवरेज लिमिट जो एग्जाम की है वो है 11-13, लेकिन कुछ एग्जामिनर कुछ टाइम पहले ही आपका एग्जाम स्टॉप कर देते हैं, और इसका रीजन ये है कि कई बार एग्जामिनर वो प्रोटोकॉल को प्रॉपर से फॉलो नहीं करता, 11 की बजाय 9-10 मिनट में आपका टेस्ट कंप्लीट कर देता है, और यहाँ 13 की बजाय 14-15 मिनट लगा देता है। तो ये 4-5 मिनट का जो बफर क्रिएट हो गया, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट करे, और ये तो कॉमन सेंस है कि अगर लंबा स्ट्रेच होगा टेस्ट तो फॉलो अप्स ही ज्यादा पूछे जाएंगे। अभी जो टेस्ट उसके सामने उस बुक पर है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और एक एक करके आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। जितने भी क्वेश्चंस उस शीट पर रहेंगे, अगर रेंडमली वही टेस्ट किसी और स्टूडेंट के सामने भी आता है, हाई चांसेस, बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वही सारे क्वेश्चंस आपसे भी पुट किए जाएंगे। हाँ, फॉलो अप्स में भी थोड़े से कम या थोड़े से ज्यादा आपसे पूछे जाएं। दैट मींस अगर हमें किसी स्टूडेंट से ये फीडबैक मिलता है कि उसे एग्जामिनर ने पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक्स से और कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए, क्यू कार्ड क्या पूछा और क्यू कार्ड के बाद कौन कौन से फॉलो अप पूछे, ऑन अ गिवन डे अगर आप भी अपना एग्जाम देने जाएंगे और वही टॉपिक्स अगर आपसे पूछे जाएंगे तो सिमिलर क्वेश्चंस ही आपसे भी पूछे जाएंगे। Isn't it amazing? आपको बैठते ही कितना कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये वाले टॉपिक से आपको पूछा जा रहा है। यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक दिस एग्जाम मोर कॉन्फिडेंटली। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए और स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपनी स्पीकिंग बूस्टर के साथ फ्री सैंपल answers ऑफ द recent IELTS एग्जाम। IELTS एग्जाम जो एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, जो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज एक्चुअली द सैंपल एग्जाम दैट कैन बी योर टेस्ट इन द रियल IELTS स्पीकिंग एग्जाम। सो ये चीज हम अपनी स्पीकिंग बूस्टर कोर्स में अपडेट करने जा रहे हैं। सो जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स बाय किया हुआ है, they don't have to pay anything extra. जहां पर आप स्पीकिंग बूस्टर ebook read करते हैं, अब वहीं पर आपको एक नया फाइल नजर आएगा ऑफ सैंपल टेस्ट, और एक एक करके जैसे जैसे टेस्ट हमारे पास आते रहेंगे हम इसे अपडेट करते रहेंगे, और ये अपडेट्स आपके लिए डेली के अपडेट्स रहेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम पर ये अपडेट हुआ करेंगे सैंपल्स, और अपना एग्जाम देने से पहले पहले आप अगर इन सभी सैंपल्स को प्रिपेयर कर लेंगे, एंड डेफिनेटली आपका जो डिजायर्ड स्कोर है इन द स्पीकिंग एग्जाम वो जरूर आएगा। तो यहां पर आपके लिए बेनिफिट क्या है कि ना तो सिर्फ आपको सैंपल टेस्ट पता चल रहे हैं कि एग्जामिनर स्टूडेंट से क्या पूछता है, बट उन क्वेश्चंस के सैंपल आंसर्स की रेफरेंस आपको मिलेगी स्पीकिंग बूस्टर में, जो वहीं पर आपको मिल जाएगी। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम
and you can definitely practice IELTS speaking in a much efficient and a better way. And for that reason, we recommend you to purchase Speaking Booster and start practicing your IELTS speaking from today. और गाइस जितना IELTS पे आप इन्वेस्ट करते हैं, IELTS में स्कोर हाई करने के लिए आप मेहनत करते हैं, वहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका जस्ट 350 रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत 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 हेल्प करे टू क्रैक द IELTS एग्जाम, स्पेशली द IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल विद फ्लाइंग कलर्स. I wish you all the very best and I hope you will definitely take the benefit of this new service that we are going to add into our speaking booster. Thanks for joining. Take care of yourself.